नया थीम चाहिए iOS इंस्पायर्ड Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए, तो ये थीम ट्राई करो। अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली आपको iOS इंस्पायर्ड लुक और चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आपको iOS इंस्पायर्ड आइकन देखने मिल जाएगा होम स्क्रीन में, गूगल का फोल्डर में, टूल्स का फोल्डर में, सभी आइकन चेंज हो जाता है। आइकन अच्छा है, कंप्लीट iOS इंस्पायर्ड लुक देखने को मिल जाएगा और बजट भी चेंज हो जाता है। फोल्डर स्टाइल भी आप देख सकते हैं, आपको जो है iOS इंस्पायर्ड देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर थोड़ा सा डल था तो मैं चेंज कर चुका हूँ। अगर आपको ये वॉलपेपर चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको जो कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। अब कंट्रोल सेंटर जो है HyperOS का कंट्रोल सेंटर को चेंज नहीं कर पाया। अगर आपके पास जो आपका मतलब ऑब्वियसली हम ये 14 या 13 कंट्रोल सेंटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो है काफ़ी अच्छा चेंजेस देखने को मिल जाएगा आपको। और नीचे आपको डॉक भी देखने को मिलता है, फुल स्क्रीन में आपको ऐसा कुछ लुक देखने को मिल जाएगा। और फिर आपका सेटिंग्स का भी ऐसा कुछ चेंजेस के साथ देखने को मिलता है, सभी टॉगल चेंज हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। मतलब कि ज़्यादातर थीम्स में जो है सभी टॉगल्स चेंज नहीं होता है और जो टॉगल्स है वो आपका भी iOS इंस्पायर्ड, एक दो टॉगल्स मिसिंग है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर थीम्स में होता है, बट इसमें आपको जो है अच्छा देखने को मिलता है लुक। UI भी iOS इंस्पायर्ड देखने को मिल जाएगा। डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स में भी चेंजेस देखने को मिलता है, देख सकते हैं ऐसा कुछ चेंजेस। बैक जेस्चर भी चेंज कर दिया गया, इनफैक्ट आपका डिस्प्ले में भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पूरी iOS इंस्पायर्ड है मतलब कि, बट हाँ लुक और UI में थोड़ा बहुत चेंजेस जो कि अच्छा लुक है। मतलब ऐसा हॉच पॉच नहीं, कुछ ज़्यादा ही कॉपी करने की कोशिश किया गया तो ऐसा भी नहीं है, बट हाँ अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी चेंजेस देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं ऐसा कुछ चेंजेस जो देखने को मिल रहा है। और एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको वही सेम iOS इंस्पायर्ड जो लुक सेपरेशन देखने को मिलता है। डायलर मैसेजेस ऐप, अगर आपका MIUI का डायलर और मैसेजेस ऐप है तो चेंज होगा। गूगल डायलर और मैसेजेस ऐप चेंज नहीं होता, ये आपको पता है। वॉल्यूम स्लाइडर भी चेंज हो जाता है, उसका जो साइज़ है वो आपको iOS इंस्पायर्ड या iOS वाला साइज़ थोड़ा सा उसका iOS का मतलब छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। वॉल्यूम स्लाइडर का बात कर रहा और कुछ नहीं। और हाँ, लॉक स्क्रीन भी जो है थोड़ा सा iOS इंस्पायर्ड है, इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड भी देखने को मिलता है जो कि काम नहीं करता है। विजेट्स भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, नीचे भी आपका जो आधा अधूरा विजेट्स जो कि आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और डबल टैप करने से आपका म्यूजिक का जो है एल्बम आर्ट या बेसिकली बोल सकते हैं लाइन मतलब वो पॉप होकर आ जाएगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सेटिंग्स का आपको जो टॉगल ऊपर में देखने को मिल जाता है, तो उसमें आप टैप कीजिए तो आपका सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। लॉक स्क्रीन का कस्टम सेटिंग्स जो कि आप उससे और भी जो है कस्टमाइज करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो करते हैं डबल टैप और ओपन होता है लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स। तो ये आपको ऑब्वियसली दूसरा लैंग्वेज में देखने को मिलता है, तो चूँकि इसमें आपको ट्रांसलेटर लगाना होगा फिर आपको चेक करना होगा, तो मैं इसको जो स्किप कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं अगर आपको कस्टमाइज करना। थीम ऐसे अच्छा है, मतलब होम स्क्रीन काफ़ी अच्छा है, सेटिंग्स का UI काफ़ी अच्छा है। अगर आपको डार्क मोड वाला थीम नहीं चाहिए था, मतलब लाइट मोड काम चल जाएगा, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड मारना है तो जॉब सर्च करो BOZKURT2, आपको बस ये जो स्पेलिंग है सेम टू सेम टाइप करना आपका थीम स्टोर का सर्च में, और फिर आपको सर्च में टैप कर देना है और फिर आपको ये थीम मिल जाएगा। जॉब सर्च करो BOZKURT2 और बताओ मतलब कैसा लगा, बताओ थीम कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। थीम पसंद आ तो देखो, पहले तो थीम को डाउनलोड करो, वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक मारो, लाइक ही नहीं रख रहे हैं कंप्लीट कर दो 110, और वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल में रख के रेडी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।